आप देख रहे हैं जीएम थंडिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताक रहे वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो, यहाँ पे वीडियो कटल पे नहीं लिखा, देखते हैं पहले वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। ऐसे संपन्न हो जाए क्या कहेंगे, फूल मालाओं से आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो भाई हैं, इसके लिए स्वागत कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी अच्छा, ये आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ये जयंती निकल रही है और आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि ये रास्ता थोड़ा खुले तब हम रास्ता पार करके जाएं। बहुत बड़े लग रहा है जी देख के, जय भीम, और इन्होंने संविधान बनाया है हमारे देश का, तो हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जितना ये हमें बहुत अच्छा लगा देख के, अब इनका हम स्वागत भी कर रहे हैं, कुछ वर्ष कर रहे हैं इन पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। ये तस्वीर देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकल रही है, लेकिन ये मुस्लिम इलाका है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ मस्जिद है और यहाँ पर जो लोग हैं अभी नमाज अदा करके बाहर निकले हैं, लेकिन स्वागत कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और फूलों से उन पर बरसात की जा रही है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, हाथ में फूलों को लेकर खड़े हुए हैं और फूलों से स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, एक तरफ तो जैसे ही अतीक अहमद के मर्डर की तस्वीर सामने आई, उसके बाद पूरे यूपी में उस घटना के बाद हाई अलर्ट पर यूपी को कर दिया गया है, धारा 144 लागू है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, हाथों में ये गुलाब के फूलों की पंखड़ियां, और ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो यहां पर सौहार्दपूर्ण तरीके से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनकी जो शोभा यात्रा देखे, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो तस्वीर भी देखिए, मस्जिद वाली गली है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, रमजान है लेकिन लोग फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंबेडकर, जो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान को रचा था, उनकी आज जयंती निकल रही है। और ये तस्वीर देखिए, मुस्लिम भाई जो हैं वो नमाज पढ़ के बाहर निकल गए हैं मस्जिदों से, लेकिन यहाँ पर शांति से वो लोग खड़े हो गए हैं और इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तस्वीर देखिए, पुलिस सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है। सबसे बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश की कि जहां पर एक घटना हो जाती है और उस घटना के बाद पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है, लेकिन यह तस्वीर देखिए, ये एक सौहार्द की तस्वीर है कि किस तरीके से यहां पर ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है, जो शोभा यात्रा है, वो यहां पर निकल रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मस्जिद से बाहर निकल के जो लोग आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं, कोई हापा धापी नहीं है। हालांकि ये लोग रोजे से हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी तस्वीर है। क्या कहेंगे आप लोग, रोजे से हैं आज? जी रोजे से हम, लेकिन आप लोग स्वागत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग स्वागत कर रहे हैं लोग? जी हाँ स्वागत कर रहे हैं हम इनका, यानी इंतजार खड़े होकर इंतजार करेंगे, इंतजार रास्ता खुल जाए कब जाएंगे? जी नहीं, रास्ता खुलने पे जाएंगे हम, रास्ता खुलने पे जाएंगे। चाचा इंतजार कर रहे हैं? बेशक 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 इंतजार कर रहे हैं, रास्ता खुलने पे जाएंगे। बहुत लंबी लाइन थी लेकिन आप लोग इंतजार पे लगे? हाँ इंतजार। क्या क्या कहेंगे आप लोग, इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ता खुलेगा जब हम घर जाएंगे नमाज पढ़ के आए हैं? हाँ जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं रास्ते में। अच्छा, कोई आपा धापी नहीं? आपा धापी तसल्ली से खड़े हैं, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से खड़े हैं, बहुत तसल्ली से। क्या कहेंगे, इन लोगों का स्वागत भी मैंने देखा फूल मालाओं से किया जा रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, सब लोग जी, सब लोग कर रहे हैं स्वागत। क्या कहेंगे भैया, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ये जयंती निकल रही है और आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि ये रास्ता थोड़ा खुले तब हम रास्ता पार करके जाए। बहुत बड़े लग रहा है जी देख के, जय भीम, और इन्होंने संविधान बनाया है हमारे देश का,
तो हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जितना ये हमें बहुत अच्छा लगा देख के। अब इनका हम स्वागत भी कर रहे हैं, कुछ वर्ष भी कर रहे हैं इन पे, बहुत बड़ा लगा जी हमें। यानी नई तस्वीर देखने को मिल रही है, सौहार्दपूर्ण तस्वीर। बिल्कुल, हम तो सपोर्ट करते हैं, बाबा जी को मानने वाले लोग हैं हम, इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है। और ये तस्वीर सबसे अलग है उत्तर प्रदेश की। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। लेकिन मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, रमजान से लोग रोजेदार हैं, लेकिन ये यात्रा निकल रही थी तो यहां पर मैं कहूंगा, एक तरफ ये तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, यहां से यात्रा निकल रही थी। पहले तो सैल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन का, ये वो हमारे पुलिस के जवान हैं जो लगातार इस यात्रा को लगभग 6 घंटे से इसी तरीके से चला रहे हैं और व्यवस्था बनवा रहे हैं। ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और आज रमजान से हैं, अंदर नवाज अता करके आए हैं, लेकिन बाहर शांतिपूर्ण तरीके से ये देखिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रास्ता खाली हो जब हम अपने घरों को जाएं। क्या कहेंगे भैया, रोजे से हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे, क्यों रुके फिर यहाँ पर? यात्रा के लिए। हाँ, सही से संपन्न हो जाए। क्या कहेंगे, फूल मालाओं से आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो भाई। जो वीडियो हो गई खत्म, तो ये अच्छी बात है कि भाई जो हिंदू मुस्लिम है वो इकट्ठे हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं, उसकी रैलियों का, मुस्लिम की भी रैलियों का, जो हिंदू को एहतराम करते हैं। और वो हमें नजर भी आ रहा है कि 6 घंटे से रुखसार भाई वो एक रैली का, 6 घंटे से बोल रहे हैं। नहीं, वो तो खड़ा है ना, पुलिस वाले की बात कर रहा था वो, देखो नमाज पढ़ कर आए हैं ना। नहीं, नमाज पढ़ने वाले तो अभी निकले ना। कुछ आदमी है जो मुस्लिम खड़े हुए थे हाथ में, वो लेकर फूल भी लेकर उसका इस्तकबाल, मतलब वो कह रहे थे बाबा भीमराव आई थिंक इस नाम को बता रहे थे, उन्होंने आई थिंक उनका संविधान का आईन बनाया था और तमाम मुसलमान और हिंदू स्पेशली मुसलमान उनका शुक्रगुजार थे कि उन्होंने हमें एक अच्छा बेहतरीन आईन दिया जिसमें मुसलमानों के भी हकूक थे शामिल थे, जिसमें मुसलमानों को भी कोई किस तरह का टच मतलब नहीं हिट नहीं किया गया, लेकिन उनको इंडिया का शहरी बल्कि हिंदुओं से भी ज़्यादा उनको हकूक उसमें बनाए, इसलिए वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि भीमराव की यात्रा लेकर निकले हैं जिन्होंने आईन बनाया जिसमें भेद बहुत नहीं रखा गया, इक्वल रखा गया, इसलिए वो उनकी मतलब कर रहे हैं, खुश है ना, तो इसलिए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, फूल निशावर कर रहे हैं उसकी रैली पर। तो ये अच्छी बात है यार के उधर भाई सारा कुछ हो रहा है, उधर कुछ इतना ये हमारे जहनों में है ऐसी कोई खराश है या कुछ है, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है, उधर लोग ज्यादातर उनके जो है मैक्सिमम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी नहीं है उनके, किसी भी जितने भी इंटरव्यू दिया है किसने भी कोई नाराजगी जोर की है, किसने भी नहीं। नमाज पढ़ कर निकले हैं और रमजान में जो जिस वक्त वो बोल रहे हैं उस वक्त रोजे की भी, हाँ रोजे की हालत में जाते हैं असर का, वो कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं, हम खड़े हैं, खड़े हैं, हम एहतराम में खड़े हैं, एहतराम में खड़े हैं कि उन्होंने हमारा आईन किया है पेश किया और हमें जी ऐसा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आप देखा जो एक हिंदुओं की यानी उनके निकल रही है यात्रा और मुसलमान के इज्जत में खड़े एहतराम में खड़े, कुछ फूल भी फेंक रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, देखो ना यार कोई रैली है कोई भी मतलब के इजलास है उसके लिए आपको ये तो एक लॉजिक सी बात है ना कि अगर आप तहजीब याफ्ता हैं, आपको पता है कि तहजीब किस चीज़ का नाम है, तो आप उसके अदम में तो खड़े रहेंगे, आप एतराज़ करेंगे या धक्का मुक्की करेंगे या बातें करेंगे तब भी वो गुजरनी है, फसाद बनेगा, फसाद से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, तो ये उन्हें भी पता है एहतराम में हमें खड़ा होना होगा, तभी हमारी बारी आएगी, तभी हम गुजरेंगे। और इस चीज़ से वो एक चीज़ और साबित करते हैं कि जो उनका कानून बनाने वाला है वो उसका एहतराम करते हैं कि इसने हमारे लिए कुछ बेहतर किया, तो अच्छी बात है, इस ऐसा ही है। तो बात ये है भाई, अगर आपके मुल्क में शांति है तो उसका मतलब है आपके मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और एक धारा ना 344 जो 144 लगी हुई है उसके बावजूद ये रैली निकल रही है, को शॉट डेड यानी काउंटर कर दिया। हम पहले इलेक्शन में मुझे नहीं पता था कि आप कंफर्म हो गया, कंफर्म हो चुका है कि वो 144 भी लगी हुई है। हाँ जी, मतलब सारी बात है, थोड़ा सा मसला हुआ था, वो पहले सियासतदान भी रहा है, उसके बाद उसके बड़ा गैंग भी रहा है और उसके बाद बड़ा नाम था यूपी में, इंडियन ऑडियंस से एक सवाल करूंगा। देखो मैं कोई थोड़ा इंडिया में गया तो थोड़ा हूँ, मैं तो जो चीज़ देखता हूँ उसके मुताबिक जो है सवाल करता हूँ। आपके मुल्क का एक इलाका है गाजियाबाद,
एक इलाहाबाद है, एक गाजियाबाद है। जो गाजियाबाद इलाका है वो खास कर मुसलमानों के लिए मशहूर है, और उस पर एक फिल्म बनी थी आप लोगों की गुंडे, आई थिंक आपको याद होगा। अगर उस खत्ते का जरा सा पूछना क्या चाहते उधर आओ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अतीक अहमद यहाँ पर मशहूर है, वहाँ पर भी कोई ऐसा आदमी मौजूद है, या वहाँ पर क्या कंडीशन मुसलमानों की और हिंदुओं की आपस में, या आबादी का मतलब तो क्या कंडीशन है कि नहीं है, नहीं है। ये चीजें अगर मुझे मालूम हो जाए तो और बेहतर होगा मेरे। तो आप ये जो शॉट डेड हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा भाई ये सवाल मेरा बनता है कि अगर अतीक अहमद बुरा है तो उसे मार दो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं मेरे भाई। जो इंसानियत का कातिल है मेरे भाई, वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह पर उसे मारना बनता है, और हर मजहब में बनता है मेरे भाई। इस नसूर को मिटाना चाहिए। हाँ जी, चाहे जो भी यार इंसानियत का कातिल है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो घर, पहले बात मैं कह दूं कि जो ऐसा बंदा है वो मुसलमान नहीं है मेरे भाई। जिसको पता नहीं जो भी बुरा काम करेगा उसका अंजाम भी बुरा होता है, जो किसी का दिल दुखाएगा उसका कोई भी कोई मुसलमान उसके में नहीं कराएगा। जितने मैं एक बात करूंगा, जितने योगी साहब अग्रेसिव है ना मुसलमान टेररिज्म या मुसलमान ऐसे लोगों पर, इतने ही अग्रेसिव वो हिंदू ऐसे लोगों पर भी होने चाहिए, मैं ये बात कहूंगा। मतलब कि उनको चाहिए कि जो हिंदू कोई भी मजहब से तलाक रखता हो उसको उड़ा दे, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई भाई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में नाट डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। Thank you.